नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल लेडर में। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वी बोर्ड मास रूल के संबंध में। वी बोर्ड मास रूल के अंतर्गत हम लोग भिन्नों का गुणा, भाग, जोड़, घटाव कैसे करते हैं, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले गुणा करना है, पहले भाग करना है, इस संबंध में अपन लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये रूल है वी बोर्ड मास रूल। तो यहां से वी से है वेनिकुलम और बार, मतलब जो बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बार वाला, उसको पहले सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, तो बार वाला क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। उसके बाद वी के बाद बी आता है, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट्स हटाएंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाएंगे, फिर मंझला वाला कोष्टक हटाएंगे और फिर बड़ा क्वेश्चन हटाएंगे। उसके बाद ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का वाले, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और इसके अंतर्गत रूट, स्क्वायर, ये सबको सॉल्व करेंगे। तीसरा डीडी फॉर डिविजन, ठीक है, मतलब भाग देना है। और उसके बाद क्या करना है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा करना है। और ए फॉर एडिशन, जोड़ना है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना है, ठीक है। तो डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, ए हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बताएंगे, वी बार वाले क्वेश्चन, बी ब्रैकेट्स हटाएंगे, छोटा, मंझला, बड़ा, ओ मतलब ऑफ, डी डिविजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ये सीरियल वाइज अपने को करना है। तो यहाँ पे चलो अपन लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसमें अगर सबसे पहले हम लोग चौथा वाला सवाल लेते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगेगा 12 प्लस मझला कोष्टक लगेगा 13 प्लस 18 माइनस 11 माइनस 5 का बार, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने को बार हटाना है यहाँ से। तो 11 माइनस 5 बार हटा देंगे, तो बार हटा देंगे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 11 माइनस 5 इंटू 12 प्लस 13 प्लस यहाँ पे 18 माइनस 11 में से 5 जाएगा, बार को पहले हटाना है, तो 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 5 11 तो 6 आ जाएगा ऐसा। अब छोटा कोष्टक हटाना है, छोटा कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे देखो 18 माइनस 6, तो 18 में 6 अपन लोग हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये छोटा वाला कोष्टक हट जाएगा। यहाँ छोटा कोष्टक हटाएंगे तो 11 में अगर 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 5 11। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे देखो 6 इंटू ये बड़ा वाला कोष्टक 12 प्लस 13 और 12, ये कोष्टक हटाएंगे तो आ जाएगा अपना 25 बराबर, यहाँ पे 6 गुणित 25 में 12 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 37। अब यहाँ पे ये 37 में किसका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे तो 7 छक्का 42, 42 की हो जाएगा 2, हाथ में आ जाएगा 4, 6 18, 18 4 हो जाएगा 22, तो 222, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। चलो इसमें अगला देखेंगे, जैसे इसमें अपन लोग लेते हैं ये 6 नंबर का सवाल। ये क्या दिया हुआ है, 4 8 डिवाइडेड बाय 6 का
वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई वन एक सही दो बटे तीन, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके मान निकालना है तो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 6 का 1 बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री। ठीक है, यहाँ पे गुणित एक से ही एक बटे दो, तो इसको अपन लोग तोड़ लेते हैं। तो तीन एकम तीन, तीन और दो कितना हो जाएगा 5 बटे दो, यह हो गया। अब यहाँ पे का वाले को सबसे पहले करेंगे, तो का वाले को सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। यहाँ पे का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो का मतलब गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 6 है और नीचे 3 है, इसका भाग हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दोने 6, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 इज इक्वल टू। अब क्या करना है अपने को, भाग करना है, पहले भाग करना है उसके बाद गुणा करना है। तो 48 में 2 का भाग होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस, यहाँ पे देखो 2 बटे 3 और गुणित 5 बटे 2, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 24 और 5 बाई 3। ये 3 का अपन लोग क्या कर सकते हैं, तिरियक गुणा कर सकते हैं। तो तिरियक गुणा कर देंगे तो 24 तिया हो जाएगा 72 और प्लस 5 और बाई कितना हो जाएगा 3, तो 72 में 5 ऐड हो जाएगा तो 77 और बाई 3, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल लेते हैं, सवाल क्या दिया हुआ है, 30 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 चौक 8, तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब भाग के बाद क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को, जोड़ना है, तो जोड़ना है इज इक्वल टू यहाँ पे 30 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस वाला एक साथ जोड़ेगा और माइनस माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 30 प्लस है 3 प्लस है, तो 30 में 3 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा अपना 33 माइनस 10 माइनस 4 ऐड होगा क्या आ जाएगा 14, तो 33 में 14 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 33 में 14 अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 33 में 14 को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो 16 और 3 कितना हो जाएगा अपना 19 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 112 भागित, यहाँ पे 16 और 14 जुड़ जाएगा, 16 और 14 जब यहाँ पे जुड़ेगा तो 16 और 14 जुड़ करके हो जाएगा 30 और माइनस हो जाएगा 10, तो 112 डिवाइडेड बाई 30 में 10 जाएगा तो आ जाएगा 20। अब यहाँ पे 112 डिवाइडेड बाई 20 इसको भाग देंगे तो इसको 4 से काट के देखते हैं, 4 दोने 8 और 4 अट्ठे 32, यहाँ पे 4 पंचे 20, 28 बटे कितना हो जाएगा 5, इसको फिर से काटेंगे तो 5 पंचे 25, 3 बज गया, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो 5.6 इसका क्या निकाल करके आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग देना है, इसमें देखेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 गुणित 3 धन, ये 3 तिया 9 हो जाएगा माइनस, इसको भाग देंगे 3 एकम 3 प्लस, यहाँ पे 2 गुणित 4 एकम 4, 4 दोने 8, 1 बाई कितना हो जाएगा 2, फिर ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे 3 दोने हो जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 1 और प्लस यहाँ पे 1, ये दोनों हो जाएगा आपस में कैंसिल, 6 और 3 जुड़ करके कितना हो जाएगा 9, तो अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से वाले सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको अपन लोग देखेंगे, 2 दोने 4, 4 और 1 5, 5 बटे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे देखते हैं 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 बटे हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे देखते हैं तो 2 बटे हो जाएगा ये हमारा 5 प्लस 5 एकम 5, 5 और 1 6 बटे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 5/2 प्लस 7/5 माइनस यहाँ पे 6 और 2 8, 8/5 इंटू 2, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 दोने 16 और ये कितना हो जाएगा 16/5, 16/5 ऐसा हो जाएगा। अब हर समान है तो सीधा सीधा घट जाएगा, तो 9 और 7 16 माइनस 9/5 कितना हो जाएगा 5, माइनस 9/5 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 5/2 और माइनस 9/5, तो ये तिरिया गुणा हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 9 दोने 18 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10, तो ये अपना निकाल करके आ जाएगा 18 और 7 25, 7/5 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सारे सवाल को हल कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।